और भुवन तो दिल में खुश था यार कि मैं नहीं आया। अभी वैसे ही साइकिल पे बैठ के ना घर में कार्डियो करने के वक्त पता नहीं उसको क्या हो जाता है कि ये अच्छा नहीं था वो अच्छा नहीं था। तो गाइज हम इस वीडियो में देखने वाले अली बिलाल के रिप्लाई को जो उन्होंने भुवन चौहान को दिया है, और इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में बताना कि अली बिलाल सही बोल रहे हैं या गलत। वहां पे आप अपना बेस्ट टू बेस्ट दो। और मैं 400 ऑलरेडी खेल चुका हूँ, बॉडी थकी हुई है, अच्छा शेप ला सके ओलंपिया पे। और भुवन तो दिल में खुश था यार कि मैं नहीं आया। अभी वैसे ही साइकिल पे बैठ के ना घर में कार्डियो करने के वक्त पता नहीं उसको क्या हो जाता है कि ये अच्छा नहीं था वो अच्छा नहीं था, ऐसी बातें शुरू। नहीं वो भी क्या है ना, वो भी लोग उनसे पूछते हैं कि इनके बारे में क्या बोलना चाहोगे, उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे, तो भी अपना स्टेटमेंट दे देते हैं। मैंने कल यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू दी, मुझसे पूछा गया कि भुवन कह रहा था कि मुझे तो पता भी नहीं था यार, भुवन कह रहा था कि मैं आपसे जीत जाऊंगा। मैं सिर्फ हंसा, तो मैंने बोला यार नो कमेंट, देख लेंगे 6 हफ्तों में। उससे क्या फर्क, ये तो अपना स्पोर्ट्स है, अपने अपना स्पोर्ट सबसे, भाई अली भाई सबसे बड़ी बात क्या है ना, अपने स्पोर्ट में अपने को कोई यूएफसी के जैसा फाइट नहीं करना है। वही मैं कह रहा हूँ ना, ना दौड़ना है, जो लंबा दौड़ सके, जो तेज दौड़ सके। यार ये बॉडी बिल्डिंग का है ना, ये बॉडी अपने में क्या, जज अपने जो जज को पसंद आया वही अच्छा है, अगर उसको शक्ल ही पसंद नहीं आई। अपने स्पोर्ट्स में क्या है कि अली भाई जितना आप सालों साल डिसिप्लिन में रह रहे हो, जितना आप मेहनत कर रहे हो, जस्ट उसको जाके डिस्प्ले करना है। आप किसी को रोक नहीं सकते कि नहीं भाई तुम डंबल मत उठाओ, तुम मील मत करो, तुम वो मत करो।